अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम विद अनिश। तो आज जो हम लुक लेकर आए हैं वो है मॉडल आई मेकअप, पार्टी मॉडल आई मेकअप लुक। तो हम इस लुक को स्टार्ट करते हैं फौरन। तो सबसे पहले हम अपनी आईब्राउज फिल करेंगे। कोई भी पोमेड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का पोमेड यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं अपनी आईब्राउज के जो गैप्स हैं उनको फिल कर रही हूँ। जब ये सारे गैप्स फिल हो जाएंगे तो इसके बाद हम इनको इस पूरी के साथ एक सा बराबर कर देंगे ताकि हमें कोई हमारी आईब्राउज जो है वो ऑड ना लगे, बिल्कुल एक नेचुरल लुक आए। उसके बाद ये मिस रोज़ का कंसीलर है जो मैंने लिया है और इससे मैं अपनी जो आई लिड है उसको अच्छी तरीके से प्रेप कर लूँगी ताकि मेरा जो आई शेडो है वो एकदम इन्हेंस होकर आए, कोई क्रीज आई ना बने। तो ये बहुत अच्छा जो है वो कंसीलर है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा लुक देता है। इसका जो शेड है वो बेज वन जिसका शेड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं अच्छी तरीके से उसको अपनी आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा फॉरहेड पर अप्लाई किया, अपनी आईब्रोज को सेट करते हुए। उसके बाद मैंने इसको पफ से अच्छी तरीके से जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। कोई हार्श एजेस ना दिखे बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये मैंने ग्लैमरस की पैलेट में से ये सबसे लाइटेस्ट शेड है येलोइश मस्टर्ड सा, इसको लेकर मैंने अपनी एक क्रीज बनाई है जहाँ मैं अपने सारे डार्क आई शेड्स जो हैं वो डिपोज़िट करूँगी। तो इसलिए हम एक बाउंड्री एक क्रीज बनाते हैं जिसमें हमें अपने सारे आई शेड्स जो है वो डिपोज़िट करने होते हैं और इससे हमने मर्ज करना होता है, यानी कि ब्लेंड करना होता है जैसे हम कहते हैं। तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसको हमने 2-3 बार लगाना है ताकि हमारा एक लुक आ जाए। उसके बाद ये डार्क ब्राउन कलर लिया है मैंने, मरूनिश ब्राउन, और इससे मैं अपनी जो लाइन है क्रीज लाइन उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगी इस डार्क शेड के साथ और इसको भी मैं अपने जो लाइटेस्ट शेड है उसके साथ ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई हार्श एजेस जो हैं वो नज़र ना आए। अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए इसको हम कॉर्नर की तरफ भी ले आएंगे। थोड़ा सा मैं अपने कॉर्नर पे भी इसको डिपोज़िट करूँगी क्योंकि मुझे इसको बाद में कट करना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसको फाइन करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि हम जब इसको कंसीलर से कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक फ़ाइन शेप आ जाएगी। अच्छा जी, इसको मैं वापस उसी लाइटेस्ट शेड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ जो ऊपर एक हार्श सी लाइन दिख रही है ताकि वो ना दिखे और अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए। उसके बाद ये डार्क ब्राउन कलर का, और ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर जो होता है, मरूनिश ब्राउन था पहले, ये ब्राउन है प्योर ब्राउन जिसको हम कहेंगे, उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड किया, दोबारा इसको डिपॉजिट किया अपने कॉर्नर्स पे। और फिर ये मैंने लाइनर लिया है क्रायलॉन का केक लाइनर है ये, इसको मैंने लेके अपना छोटा सा एक विंग बनाना है, ठीक है। पूरी आई पे नहीं लगाया, सिर्फ मैंने कॉर्नर पे लगा के इसको इस तरीके से छोड़ देना है क्योंकि मुझे इसको मर्ज करना है। उसके बाद इसको आउटर की तरफ बाहर की तरफ जो है मैंने इस तरीके से मर्ज कर देना है जैसे इसमें दिख रहा है वीडियो के अंदर, इसको अच्छी तरीके से मर्ज करना है ताकि खूबसूरत सा लुक आए क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। तो इसको हम बाहर की तरफ जो है वो थोड़ा सा ब्लेंड करना शुरू कर देंगे, अच्छी तरीके से हमने इसको ब्लेंड करना है। उसके बाद हम अच्छा थोड़ा सा हम ब्लैकिश लुक देने जा रहे हैं। अब देखेंगे, देखें मैं इसको हल्का सा ब्लैक शेड लिया और उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो हमने जैसे इसको ब्लेंड कर लिया है और ये मैंने हल्का सा ब्लैक शेड लिया और इसी के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको मर्ज कर रही हूँ ताकि इसमें अजीब लुक नज़र आए, हमें हार्श लाइन नहीं चाहिए। और ये वापस मैंने ब्राउन शेड लिया और उसी ब्राउन शेड के साथ थोड़ा सा इसका जो डीपनेस थी उसको दिया है, और ज़्यादा ब्लैक नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको ब्राउन के साथ ब्लेंड में जो है वो ब्लेंड कर दिया क्योंकि हमें एक सॉफ्ट लुक चाहिए, बहुत हार्श लुक नहीं चाहिए। उसके बाद ये मैं अपनी क्रीज को कट कर रही हूँ। अच्छा, फुल कट क्रीज नहीं करेंगे ना हम, हाफ करेंगे, हाफ से थोड़ी ज़्यादा, जहाँ तक मैं चाह रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा शिमरी और इनहेंस पॉप होकर आए मेरा आई शेड, तो उतनी जगह पे मैंने इसको कट कर लिया है। और ये वही मिस रोज़ का कंसीलर है जो मैंने बेस बनाई थी जिससे उसी से मैंने कट क्रीज करी है। और ये मैंने गोल्डन शेड लिया ग्लैमरस की पैलेट में से और शिमरी शेड है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने पहले इसको फिंगर से अप्लाई किया और फिर जहाँ जहाँ एजेस थी वहाँ पर मैंने अपने ब्रश से अप्लाई किया। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शिमरी शेड जो है वो बहुत इन्हेंस हो गया है तो आप इसको लगाने से पहले ब्रश के ऊपर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लिया करें जिससे आपका जो शेड है वो बहुत ज़्यादा पॉप होके इन्हेंस होके लगेगा आपकी आईज़ पे। ये एक टिप है जो कि सब नहीं बताते, ये ऐसी टिप है, मतलब जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो ज़्यादातर हम कहते हैं कि जब हम पार्लर जाते हैं तो हमारा लुक अलग आता है, तो वो यही थोड़ी छोटी टिप्स होती हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं जिसकी वजह से
हमारा लोग जो है वो क्लाइंट बनते हैं इसी तरीके से न्यू ट्रिक्स यूज़ करने से ही क्लाइंट बनते हैं। और ये देखिए मैंने लास्ट में जो ब्राउन शिमरी शेड लेके और उसको अपने कॉर्नर के साथ मर्ज कर दिया है। अच्छा ये मैंने कॉर्नर पे शिमरी शेड ही लगाया ताकि थोड़ा सा लुक खूबसूरत सा है, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल जो है वो विदाउट शिमर लुक ना आए, तो इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया। और ये मैंने अपने लैशेस कर्ल की और मस्कारा लगाया। इसके बाद हम लैशेस लगाएंगे, फेक लैशेस जिसको कहते हैं, वो लगा रही हूँ मैं। फेक लैशेस लगाने के बाद फेक लैशेस लगाने के बाद जो है हम अपना नीचे का जो एरिया है उसको अच्छी तरीके से जो है वो क्लीन करेंगे। और फिर हमने वही कंसीलर लेके थोड़ा सा मैंने कवर कर दिया अपने आईलेट को, नीचे वाली आईलेट आई एरिया को। और उसके बाद ये मैं वही जैसे ऊपर हमने फॉलो किया था। अच्छा मैंने यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक लगाया है, थोड़ा सा मैंने ब्लैक का टच दिया ताकि डीप लगे आईज़। और उसके बाद ब्राउन के साथ इसको अच्छे तरीके से मर्ज कर दिया है, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन। जिस तरीके से ऊपर हमने ट्रांजिशन शेड लगाए थे उसी तरीके से हम यहाँ पे भी डार्क ब्राउन जाएंगे, फिर लाइट, फिर उससे लाइट। इस तरीके से ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और अच्छे तरीके से इन सब शेड्स को आपस में मर्ज कर देंगे, ब्लेंड करेंगे। जितना आपका मेकअप ब्लेंडेड होगा उतना ही खूबसूरत लगेगा, कोई हार्श एज नज़र ना आए, वरना फिर वो क्रीज बना जाता है आपके मेकअप के ऊपर जो बहुत ही बुरी लग रही होती है। तो जी ऐसा ये फिर हमने लास्ट में अपना हाइलाइटर को दोबारा से रिफ्रेश किया है अपनी ब्रो बोन एरिया पे, आउटर कॉर्नर पे। और जी ये लुक जो है वो रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई गलती हो तो वो भी बताइए, कोई न्यू लुक सीखना चाहते हैं तो वो भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।